तो फसल अच्छे से कटती ना राकेश टिकैत साहब। जो आप बोल रहे हो वहां सब दिख रहा है हमको, वहां के बैठे हुए लोग दिख रहे हैं, और लखनऊ के हमेशा ही लग रहा है कि जैसे जहां आप प्रोग्राम कर रहे हो वहां हम बैठे हुए हैं। नहीं पर आप कितना टाइम लखनऊ में रहे हैं? है जी, कितना टाइम रहे लखनऊ में? क्योंकि मुझे याद आ रहा आपको घेराव करना था, आपने सारे जो किसान नेता हैं उनको बुला के रखा था, 15 अगस्त से ना इंतजार कर रहे हैं ना ना लखनऊ ना वाले आपका। ना, घेराव तो अजय लखनऊ में घेराव नहीं हुए क्या? लखनऊ में तो बहुत घेराव हुए, और जब जरूरत होगी तो फिर घेराव होगा लखनऊ में। कहाँ, दिखाई तो और नहीं अब दिया। तो एक अच्छी बात होगी कि भाई अब तो अच्छी चीज ये होगी कि भाई प्रधानमंत्री ने कह रखा कि 2022 में आमदनी दुगनी हो जाएगी, तो अब 3 महीने तो रहेंगे, अपनी फसलें पूरे देश में लोग कहीं पर भी बेचेंगे, वो दुगने भाव में बिकेगा। गेहूं 4,000 रुपये क्विंटल बिकेगा, दूध 60-70 रुपया बिकेगा, गन्ना 650 रुपया बिकेगा। अब ये भी प्रचार करो अपना चुनाव में, हम भी प्रचार करेंगे, अच्छा, मुद्दे आप तो एक चुनाव ही में हैं। प्रचार कर रहे हम भी हैं? कहेंगे कि प्रधानमंत्री ने कहा, देश के प्रधानमंत्री ने टिकैत कहा कि साहब किसके लिए आमदनी प्रचार दुगनी कर हो रहे हैं? जाएगी, फसलों के रेट दुगने हो जाएंगे। तो दुगने तो जब हो जाएंगे ना, जब वो दुगने रेट पर बिकेगी, तो हाँ वो मैं समझ ये भी गई, प्रचार करो और हम वो भी मैं करेंगे समझ गई, प्रचार। पर आप किसका प्रचार करेंगे? अरे प्रचार तो हम भाई अपना करेंगे, प्रधानमंत्री ने कहा कि रे आमदनी दुगनी हो जाएगी। नहीं, वो मैंने सुन लिया कि प्रधानमंत्री ने कहा आमदनी दुगनी हो जाएगी, गेहूं जो है वो डबल रेट में बिकने लगे, वो सब मैंने सुन लिया। मैंने ये तो नहीं यही तो सुना बात कि आप कहेंगे प्रचार किसका भाई, हम भी तो करेंगे। यही बात भाई कहेंगे चुनावों कि में आ गए प्रधानमंत्री हैं ने ये आप, कहा भाई 2022 चुनावी में फसल आमदनी दुगनी लहलहाने हो लगी जाएगी। है टिकैत साहब, ये बताइए ना किसकी फसल ना काटेंगे ना, आप कौन और कह किसका रहा, बीज ना बोएंगे? ना, नहीं, हम ये कह रहे कि हम चुनाव में है कहाँ, चुनाव हम तो में है अपनी नहीं, बात पर कहेंगे, चुनाव के किसानों की टाइम, बात अरे तो रखेंगे प्रचार अपनी। किसके लिए कर रहे हैं अगर टिकैत उत्तर साहब? प्रदेश में आएंगे, कंफ्यूजन नहीं, देखिए आप ऐसे मत कीजिए, मुझे ये बताइए चुनाव के प्रचार कहाँ टाइम कर रहे में हैं हम, राकेश किसी टिकैत ने कहा वहां प्रचार कर रहे चंडीगढ़ में क्या कर रहे हैं? चुनाव के टाइम में उत्तर प्रदेश में क्या कर रहे हैं? चुनाव के टाइम में पश्चिम बंगाल में क्या कर नहीं, रहे थे? चंडीगढ़ में क्या चुनाव है? किसान नेता क्या तो कर अच्छा रहा है कहाँ जाएं, चुनावों अब हम में? तमिलनाडु गए थे तो वहां तो चुनाव है नहीं कोई, तमिलनाडु में तो कोई चुनाव है नहीं। हम तो वहां पे भी गए अच्छा, तमिलनाडु में, आप हम नेताओं तो की तरह पूरे देश स्ट्रैटेजी भर भी में बनाने जाएंगे, लगे हैं आप? कोई पाबंदी है कि हमको कहीं जाने की? पाबंदी नहीं है, चुनाव के टाइम में आप जा क्यों नहीं रहे नहीं क्यों नहीं हैं? बनाएंगे, उस सवाल हम का नौ जवाब तो महीने आपको से देना दिल्ली के पड़ेगा अंदर ना। बैठे हुए हैं, सरकार बात सुनेगी नहीं। हाँ तो सरकार अगर सुनेगी नहीं तो पूरे देश भर में जाना पड़ेगा ना, हमको अच्छा जाइए, जाएंगे आपको पूरे आपको देश में। छूट है, आप शहर में कहीं भी देश के किसी भी राज्य में जा सकते हैं, आपको छूट हाँ है कि देश की जनता को आप परेशान नहीं करें, नहीं भाई, देश तो आजाद हो आपको गया, छूट है अब देश में गुजरात कहीं को भी भी जाने आजाद की, करवाना है, लेकिन तो गुजरात तो अभी आप बंधन में देश की है। जनता को सड़कों का इस्तेमाल करने की छूट नहीं हाँ देते हैं, क्यों? नहीं, दिल्ली सरकार नहीं देती, भारत सरकार, भारत सरकार ने सड़कें रोक रखी अरविंद है। केजरीवाल ने मकान आप बनाया उनसे है कहो पक्का कि रास्ते अपना, खोल लें, अरविंद केजरीवाल रास्ते ने, तो उनको नरेंद्र खोलने मोदी ने पड़ेंगे ना। बनाया वहां पर नहीं 20 किलोमीटर लंबा जो नहीं आप लोगों ने अरविंद वहां पर केजरीवाल कहां से घेराव बीच किया में आ हुआ गया, है, बीच में आ गया भारत सरकार, भारत आप मुझे ये बताइए मकान किसने बनाया वहां पक्के? सरकार, भारत भारत सरकार ने सरकार ने बनाए। घोराव कर रखा हमको। दिल्ली जाने दो ना आप हमको भाई, हमारे पूर्वज आंदोलन करने दिल्ली गए ना, राकेश टिकैत साहब दिल्ली गए थे, क्या गुल खिलाए आपने, आपको याद है ना? लाल किले की प्राचीर आपको याद है ना? झंडा ही क्या उखाड़ लाए खिलाया? थे आप, लाल किले पे कानून बनेगा ये? तो आप नहीं, पहुंचे लाल क्यों फिर किले पे लाल किले कानून पर? बने तो हैं? आप लाल किले पर पहुंचे क्यों? लाल किले से इस आप आंदोलन का क्या पहुंचे क्यों मतलब लाल है? किले पर राकेश लाल टिकैत साहब? लाल लाल किले पे कानून बने हैं क्या? मैं कह रही हूं नहीं बने, तो आप वहां गए अरे क्यों? हमको जाना होता तो पार्लियामेंट में जाते हम, तो 26 जनवरी लाल को क्या किले पे करने नहीं। गए थे आप? कानून बनाने गए थे लाल किले अच्छा पर? वहां लेकर कौन गया है, वहां लेकर कौन गया, हमको टिकैत लेकर साहब, कौन गया लाल किले पे? आप कोई इधर से देश की उधर, एजेंसी उधर है कि से जो इधर लाल जा रहे किले हैं, के कांड की पगडंडी उसकी पर जांच मत कर रहे? चलिए, जहां फसल और उगी है वहां पर आइए, नहीं, लाल खेत में किले पे आइए, मैं यही सुनो, हूं,
आप मेरे सवालों का जवाब दीजिए। आप तो क्यों? किसान नेता है ना, मुझे ये बताइए कि चुनावों में आप प्रचार कर रहे हैं, आप बीजेपी को हराने के लिए प्रचार कर रहे हैं ना? किसका? नहीं, किसका प्रचार कर रहे? मुझे क्या पता, वो तो आप बताएंगे। अभी तो अगला सवाल अब आएगा। मैं कह रही हूं प्रचार तो कर रहे हैं ना आप। हम किसी का, हमारे भरोसे कोई ना रहे। हम किसी का प्रचार नहीं कर रहे, हम किसान का प्रचार कर रहे हैं कि किसान के हालात क्या है आज देश में, उसका प्रचार कर रहे हैं हम। क्या 12,000 करोड़ रुपया गन्ना अगर उत्तर प्रदेश की सरकार से मांगना गुनाह है? क्या 5 साल में एक भी रुपया गन्ने का प्रदेश में नहीं बढ़ेगा, वो गुनाह है? क्या बिजली के रेट पूरे देश में सबसे महंगे उत्तर प्रदेश में है, उसकी बात करना गुनाह है? ये क्या क्या हुआ? आवाज उठाना यहाँ पे आवाज पे लाठी और बंदूक का पहरा है नहीं, उत्तर आप प्रदेश मुझे में? बताइए, ये सारी चीजें आप अपने ये भाइयों को तो क्यों नहीं नहीं बता होगा। हम पाते? जाएंगे, आप 5 तारीख की भानु प्रताप बड़ी जी को, वो पंचायत भी भारतीय हमारी किसान मुजफ्फरनगर यूनियन में के है, हैं, उसके उनको बाद क्यों में नहीं समझा 18 बड़ी पाते? पंचायत हम उत्तर प्रदेश वो में क्यों आपसे करेंगे। अलग हो गए बताइए ना? ये सब चीजें आप किसान भाइयों को ही क्यों नहीं समझा पा रहे? किसको? भानु जी कौन? को क्यों नहीं समझा पा रहे? नहीं, कौन अलग हो गया? कौन है ये? अच्छा, अब ये किसान भी नहीं है, ये शख्स भी नहीं है, ये बुरा सपना है कोई आपकी शायद? आवाज तो आती नहीं। आप ये भी एक स्टैंड है कि आपका, कि आप ऐसे उंगली हिलाकर आप बात करोगे, आवाज सुनाई देनी, फिर आप ये कहोगे कि हमने बहुत बात करी, जवाब दिया नहीं। आप ये बंद अरे ना परेशान करो, मत आवाज नहीं आ होइए, रही आपकी। मैं दोबारा ना सवाल ना, पूछ लेती ये हूँ। आपकी जब घबरा आवाज क्यों आती रहे नहीं, मैं आप? क्या जवाब दूंगा? अरे घबरा ये भी क्यों आपका रहे हैं? स्टैंड माना है। मैं उत्तर अरे प्रदेश हूँ, पर मुझसे ओहो, बहुत घबराने की उत्साहजात थोड़ी नहीं हो जरूरत भाई? है। तुम तो चैनल वाले भी पूरा सरकार के अरे एजेंडे पे मैं काम कर रहे हैं क्या? अच्छा अरे आ आपकी गए। आवाज हाँ आती हाँ नहीं। हाँ आप हाथ हाँ ऐसे हिला रहे, बिल्कुल ये हाँ कर रहे हैं हाँ जैसे मुझे बहुत पता टाइट था, होकर बात कर रहे मुझे हो। पता। अरे आपने वो पन्ने वाली बात बताओ, तो आप कही नहीं बताओ क्या जवाब? राकेश जी, पन्ने वाली बात तो कही नहीं। ये देखिए मैं इतने पन्ने लाई हूँ, कौन सी? वो पन्ने वाली बात जो आप सारे पत्रकारों को कहते हैं, ये पन्ने लाई हूं मैं। आप नहीं, यहाँ अरे आए नहीं, मुझे ये पन्ने पन्ने वाले देने तो थे जब कहूंगा, आपको, जब सुनेंगे। ये अब पन्ने देने आपकी थे मुझे आवाज तो आपको। सुनाई दे रही। ये आपका स्टैंड हो गया सबका। क्या स्टंट हो गया? नहीं, पर्चे तो जब लेकर आएगा, आप अगर उनको नकल करवाओगे तो मैं बताऊंगा आपको भी। देखो, ये रहा सारे पर्चा प्रवक्ता, ये नंबर जितने एक, प्रवक्ता थे ना बीजेपी के, ये तो अपने घर पर रहने लगे, ये और जो देखिए एंकर हैं, पर्चा एंकर नंबर उनके दो, प्रवक्ता बन गए हैं। ये देखिए भानु सारे जी के का सारे नाम इनका प्रवक्ता लेकर बन रहे हैं एंकर उनके। प्रवक्ता कैसे बन गए? मैंने भानु जी का नाम लिया, आपकी सद्बुद्धि चली गई। भानु जी का नाम लिया, नहीं, आप अजीब अजीब कौन बातें है करने ये? लगे। कौन है? भानु, भानु जी, भारतीय किसान नहीं, यूनियन भानु जी। वही तो मैं कह रही हूं, कौन है ये? मैं सिर्फ भानु बोलती हूं और आप नहीं, सब जो है पका कौन, जाते हैं। इसका इस पे ये कौन प्रचार सा, का पूरा खर्च ये कौन करो, सा स्टंट है? बीजेपी पूरा खर्च करो ऐसे लोगों पे ऊपर। वो बीजेपी के लोग नहीं, हैं, पूरा खर्च करो ना, ये भी उनके तो साथ स्टैंड जो है किसान बीजेपी है वो का बीजेपी के लोग हैं, आप ये कह रहे हैं? भाई। इन इन लोगों को प्रमोट करना, ये तो चले गए थे। देखो, जो लड़ाई के मैदान से चला गया वो किसान तो नहीं हो सकता। वो ये कह रहे जो हैं लड़ाई का मैदान कि छोड़कर चला आप गया वो महज किसान नहीं हो राजनीति कर सकता। रहे हैं, ये किसान आंदोलन अब रहा नहीं, ये नहीं, लड़ाई दौलत बनाने के लिए ज्यादा है। ये दौलत किसान आंदोलन था, किसान आंदोलन है और किसान आंदोलन रहेगा। नहीं, वो आरोप ये लगा रहे हैं आपकी कि आप सोच और इससे दिमाग पैसा में कमा जो रहे कीड़े हैं हैं। ना, ये निकालने पड़ेंगे आपको। वो आपके कह रहे हैं दिमाग कि आप में इससे जो पैसा बीजेपी का पैसा कसूर बना भर रहा रहे हैं। है, और किसका भर रहा है? भाई बीजेपी की सरकार तो भानु देश जी में ही बीजेपी के नहीं, हैं। बीजेपी सरकार तो देश में ही नहीं, आप उनका फतूर भर रहा है ना आपके मैं दिमाग ये कह में। रही हूं कि भानु जी बीजेपी के प्रवक्ता उनका जो फतूर हैं, भर रहा है तो वो तो निकालना पड़ेगा बीजेपी के आपको। नेता हैं वो। आप किसान, वे कह आपके रहा कि यूनियन से वे जुड़ा हैं हर कौन आदमी किसान भाई, कहां और पे वे दूसरे रहते हैं, यूनियन से कौन जुड़ा वे हैं? किसान बीजेपी का हमारे साथ तो नेता? है नहीं, संयुक्त मोर्चे में नहीं है। नहीं, ये कह रहा कि वे हमारे संयुक्त मोर्चे में नहीं है, हमारे साथ में वे छोड़कर चले गए थे आंदोलन। एक जगह सरकार ने उनको बैठाया, वे छोड़कर चले गए। तो चडूनी साहब क्यों आप छोड़ के सरकार गए? से पहले बात करो ना, आप भानु जी सरकार के गए, कोई इशू हो फिर तो बात चडूनी करो जी आप हमारे गए, से। एक एक करके सब आपका साथ क्यों छोड़ कौन? रहे हैं? चडूनी जी क्यों चले गए? नहीं, कहां गए? कहां कहां पे गए? आप पहले अपनी जानकारी करेक्ट करो।
वे साथ में हैं, कल साथ भी में मीटिंग में कहाँ साथ है, में थे। दिखते क्यों नहीं है? आप कहते चुनाव लड़ेंगे, वो कहते नहीं लड़ेंगे, कहाँ नहीं, सब दिखते हैं। दिखते बताइए ना मुझे, नहीं, कहाँ है चुनाव का अभी? क्या करना लड़का, चुनाव में कहाँ देकर जा रहे हैं आप किसानों का इशू पाओ ना, अच्छा मैं किसानों के इशू पर आती हूँ, किसान का इशू पाओ हाँ मैं आप। किसानों के इशू पर आती हूँ, भाई मैं देश नहीं 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 में आप बिल्कुल सही जो कह रहे हैं, मैं किसान किसानों बच्छा के इशू हुआ पर आती हूँ, है मुझे ये बताइए, इनके मैं मसले भी किसान, तो होंगे मैं ना आ रही हूँ कुछ। ना किसानों के इशू पर आ रही हूँ, मुझे ये आप किसानों का बताइए इशू राकेश पाओ, टिकैत ये साहब, बताओ जो गोदाम बने देश में, मैं आ रही हूँ, वो गोदाम गोदामों भी पर तो भी आऊंगी बने मैं, हैं, फिक्र मत गोदाम कीजिए, तो कहीं नहीं, पहले हम बन लोग गए यही हैं, पार्लियामेंट हम में, लोग कानून यही बाद हैं, हम में कहीं आए। नहीं जा रहे, हम यही यूपी में हैं, आओ लखनऊ में ही हैं। आओ आओ अब आओ मुझे ये बताइए, हाँ ये मेरे पास हाँ तीनों कानून हाँ बिल्कुल है, पहला, हाँ दूसरा और ये तीसरा, मैं तो आपके लिए भी कॉपी लाई थी पर आप यहाँ है ही नहीं, आप पंजाब गए हैं, आपको भी तो चुनाव प्रचार करना है ना, पंजाब में भी इलेक्शन है, उत्तर प्रदेश में भी इलेक्शन है, एक राकेश टिकैत कहाँ कहाँ जाएंगे? अब मुझे ये बताइए, आपने एक कानून पढ़ा है? सब पढ़ा मैंने। कहाँ लिखा है कि जमीन छीन ली जाएगी, कौन सा सेक्शन? कौन सा सेक्शन अब सर? अगर सेक्शन तो हमने उनको ही नहीं बताया जो सरकार के लोग आए थे, इसमें हाँ संशोधन क्या करना चाहते हैं वे? नहीं, संशोधन नहीं, आप तो कानून देखिए, आप संशोधन किसान क्या करना नहीं, चाहते आप हैं जब किसानों ये की बात होगी, उनके मुझे हिसाब से सब बताइए, वाइट हैं तीनों और पन्ने हमारे मेरे हिसाब पास से है, ब्लैक हैं, तो ये तीनों पन्ने संशोधन मेरे क्यों करना पास है, चाहते हैं फिर इसमें, बताइए ना सर, क्योंकि तीनों कानून ही काले हैं। ये अभी जो दालों पे से रिसेक्शन हटाई थी कि आप इतने दाले आप ही वहां मत जाइए, पहले हम वो बिल की बात, हम व्यापारी रख कानून की बात सकता है, करेंगे तो इसमें जिनको ये भी आपको है हटाना ना। है, राकेश जी प्लीज मुझे ये मैं बताइए ये कह किस रहा हूं कि मैं सभी की सेक्शन बात कर रहा में हूं ना, कौन सी लाइन है गोदाम जहां बनाने की लिखा देश है में कि जरूरत कहां कॉरपोरेट थी? जमीन ले लेंगे? मैं अभी भी ढूंढ रही हूं, जल्दी बताइए किस सेक्शन में लिखा है, सेक्शन बताइए जल्दी, नहीं, बता दिया ना हमने। क्या बताया? अमेरिका का पूरा हिस्ट्री पढ़ लो आप, यूएसए को पढ़ लो पहले, हाँ, आप यूएसए को नहीं पढ़ मुझे लो, यूएसए नहीं पढ़ना है, आप मुझे ठीक बस ये है, यूएसए को बताइए आप पढ़ लोगे तो कि आपको पता चल जमीनें जाएगा। ऑक्यूपाई हो जाएंगी कॉरपोरेट की मैं तरफ कानूनों से, कहाँ के, लिखा है? सुनो, मैं कानूनों के प्रावधानों पे बात करने आया ही नहीं यहाँ पे। कानूनों नहीं क्यों नहीं आया? के जिस प्रावधान कानून तो से 9 साल आपको 2 महीने एतराज से है सरकार राकेश कह रही जी, है, उस कानून के बारे में आपको वो पता तो होना चाहिए, मुझे बताइए किस हमें तीनों सेक्शन कानून की, से एतराज है। तीनों किस सेक्शन में ये लिखा है कि आप क्यों कॉरपोरेट जो बतावे, है वो आपकी आपको भी जमीन वो ले लग रही लेंगे, क्या यहाँ पे कि आपको बतावे? क्या बताइए हो आप मुझे, बीजेपी, आप सरकार में क्या पोस्ट है आप आपकी? कानून पढ़ा है ना आपने, आपकी सरकार में तीनों क्या पोस्ट तीनों है? कानून आपने पढ़े आप हैं अपनी ना, पोस्ट बताओ क्या है? मुझे ये बताइए कि नहीं, आप किस सेक्शन में ये आप ये पढ़ चुके बताओ कि हैं कि सरकार के कॉरपोरेट किस पोस्ट किसानों की की हैसियत जमीन ले से लेंगे, आप बात कर रहे हो? उद्योगपति किसानों की जमीन हड़प लेंगे, एक एक मुझे नहीं, लाइन बता हमने दीजिए, बता दिया ना, एक, ये मैं कह रही हूं तीनों एक लाइन कानून काले बताइए, हैं। मैं रूबिका लियाकत आपके हमने साथ वहां आकर बैठूंगी, धरना करूंगी, प्रदर्शन करूंगी, एक लाइन बताइए आप मुझे, गांव में जाके पूछो, मैं राकेश टिकैत ये साहब आपका जाएगी, पोस्टर लेकर ये मैं सारी धरना जमीन प्रदर्शन जाएगी करूंगी, किसान मैं की, रूबिका लियाकत ये ये कॉन्ट्रैक्ट वचन देती फार्मिंग में हूं, जाएगी मुझे सारी आप जमीन। एक लाइन बताइए जहां पर एमएसपी का जिक्र हो रहा हो, आप मुझे किस, एक लाइन आप बताइए उस सरकार कानून में किस में पोस्ट पे हो? जहां पर ये बताया हो नहीं कि नहीं आप कॉरपोरेट जो सर, है वो अरे आपकी जमीन आप हड़प सरकार लेंगे, की किस, अच्छा मैं इस देश की नागरिक हूं और मैं ये मुझे कह रहा कि पूरा आप हक है सरकार की किस कानून पोस्ट पर पे चर्चा हो? करने का, मैं इस देश की एक पत्रकार हूं, मुझे पूरा हक है उस शख्स से ये सवाल पूछने का कि जो कानून वापस लेने की मांग कर रहा है उसने कानून को कितना पढ़ा है, आपने कानून कितना पढ़ा है मुझे बताइए, मैंने कानून सारा पढ़ लिया, हाँ तो सेक्शन मैंने बताइए, कानून सब पढ़ लिया, तो किस सेक्शन ये से आपको मंडियां एतराज है कैसे मुझे बंद होगी बताइए, आप बताओ? किस मंडियां सेक्शन से कैसे आपको बंद होगी, एतराज है मुझे कितनी बताइए, मंडियां बंद हुई? हम बता रहे हैं ना मंडियां कितनी बंद हुई। अच्छा ये बताओ कि पार्लियामेंट में कानून पहले आया या ये पार्लियामेंट गोदाम पे मत पहले बने? जाइए, मैं अभी भारत राजपत्र बताओ के लिखे इस एक-एक अक्षर क्यों पर ना जाए रहूंगी, पार्लियामेंट में? मुझे अरे आप ये, अरे सेंटेंस कानून, बताइए, एक बात बताओ मुझे वो आप, लाइन ये बताइए, बताओ कि ये मुझे वो कानून शब्द पहले बने बताइए या गोदाम जहां पहले पर इस बने? कानून में लिखा हुआ पार्लियामेंट है बड़ा है या कि देश में व्यापारी किसानों बड़ा की है? जमीन को
कॉरपोरेट हड़प लेंगे। आप कह दीजिए नहीं बता पाऊंगा रूबिका, तो फिर मैं आपको पढ़ के बताऊंगी सेक्शन 8 का वो ए हिस्सा जिसमें साफ तौर पर लिखा गया है प्रावधान पर जाएंगे नहीं, कोई जमीन का लेन देन नहीं होगा, फसलों का लेन देन होगा। मैं पढ़ के बताऊंगी, आप कहिए कि आपको पता ही नहीं है, मैं पढ़ के बताऊंगी। फसलों पे लोन लिया जाएगा, वो जमीन पर नहीं लिया जाएगा। सुनिए, वो जमीन पर भी लिया जाएगा। आप इनको इधर उधर की बात मत कीजिए, मैं देश का कानून हाथ में लेकर बैठी हूँ, मेरे लिए देश का कानून सर्वोपरि है। इस कानून के एक एक शब्द को मैं पढ़कर आई तो हूँ। कानून राकेश टिकैत साहब, मुझे बस ये बताइए कि कहाँ लिखा है कि किसानों के साथ किसी तरह की दिक्कत होगी इस कानून को अपनाने से? कहाँ लिखा है कि उद्योगपति जमीनें छीन लेंगे? कहाँ लिखा है एमएसपी का जिक्र कहाँ है? मतलब सरकार को हम नहीं बता पाए तो अब प्रेस के लोगों को लगा लिया। हम अभी तो कह रहे हैं कि आप अपनी पोस्ट बताओ कि सरकार ने आपको कौन सी पोस्ट पर बैठाया। आपको कानून के बारे में पता ही नहीं है। जो वहाँ पे राजनीति करने जो हमारी वहाँ पे बातचीत होती है, आपका सरकार से 12 दौर की बातचीत हमारी हुई, आप उसको लाइव टेलीकास्ट करवा दो। हमने उनको बताया है वहाँ पे, आप सरकार से पूछो। सरकार से नहीं पूछूंगी मैं, कानून सरकार को बता दिया हमने। हमने सरकार को बता दिया है, मेरी बात सुनिए, इसमें क्या कानून है, थोड़ा इजी कर लेती हूँ। सरकार इसमें ये बताए, आप ये बताओगे इसमें सफेद क्या है? नहीं नहीं, मैं कह रही हूँ ये भारी हो रहा है आपके लिए, क्योंकि आपको सेक्शन का सर नहीं पता है, आपको इस कानून का कर नहीं पता है। लेकिन आप किसी और मकसद के साथ यहाँ पर आए हैं और वो मकसद अब दुनिया के सामने जग जाहिर हो रहा है। टिकैत साहब, वो मकसद ये है कि कोई राजनीति छिपी है, वो जो छिपी आप जग जाहिर कर दीजिए। आप लोग लगे रहोगे तो बिल्कुल जग जाहिर होगा। तो बताइए मुझे, तरह से प्रेस के मुझे ये बताइए, सरकार मुझे ये बताइए कि अगर हैं। आप बीजेपी को हरा रहे हैं तो जीता किसको रहे हैं? हम किसी को हराने जिताने की बात नहीं कर रहे, हम अपने वसूलू की बात कर रहे हैं, अपने किसानी की बात कर रहे हैं, अपने आलू के किसान की बात कर रहे हैं। सुनिए, जिस किसान का आलू 1.5 और 2 रुपया किलो बिकता है, हम अच्छा, उसकी बात कर रहे हैं। ये किसान का आप आलू, किस आलू खरीदते हो दिल्ली में? और 2 रुपए का था ये, अचानक ये हृदय परिवर्तन आपको अचानक क्यों हुआ? नोएडा में होगा, फिल्म सिटी में होगा? नहीं, मुझे बताइए ये अचानक क्यों हुआ? नहीं नहीं, फिल्म सिटी में आ चुके हैं परिवर्तन। नहीं नहीं, आप आ चुके हैं फिल्म सिटी में, आपको नहीं, पता नहीं, होगा कि वहाँ पर क्या रेट। हम तो पहले से लगे हुए। आलू कितने में बिक रहा है आपको अच्छे से पता होगा। अब आप मुझे ये बताइए कि क्या ये नहीं, मैं यही तो बता रहा हूँ, जो अभी आप गिनाते हैं आपकी फिल्म सिटी 600 किसान जो हैं और जहाँ आंदोलन में एयरपोर्ट की आहुति, आप बात सुन लो। नहीं नहीं, इससे पहले आप कहाँ थे मुझे ये बताइए, इससे पहले आप कहाँ थे जब 4 लाख किसान जो है वो आत्महत्या कर गए, तब आप कहाँ थे? जिस पंजाब में आप बैठे हुए हैं वहाँ पर भी एक ऐसा ही कानून है, जानते हैं कि नहीं जानते हैं? ये भी आप जानकारी कोर्ट के पास नहीं जा सकते हैं? ये भी जानकारी किसानों की उस समस्या को जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर है, आप 4 लाख नहीं जा सकते हैं? आपको पता है ना ये बात, जिस पंजाब में बैठे हैं वहाँ पर ये कानून है, आपको ये बात पता है ना? हम ये कह रहे हैं कि ये कानून वापसी होंगे, जो गोदाम बने हैं, मैं गोदामों में आप कितना भी माल खरीदोगे, आज गेहूं का क्या रेट है, आज बाजरे का क्या रेट है जानकारी आपको? नहीं नहीं, बाजरा आप पहले कानून की बात कीजिए। 1000 रुपए क्विंटल, 10 रुपए किलो बाजरा बिक रहा है। मैं कह रही हूँ राकेश टिकैत साहब, इन सारी आपको जब जानकारी नहीं है, क्योंकि आपको भाई दिल्ली में बच्चे बड़े बड़े आपके पैकेज हैं। मैं आलू की बात करती हूँ, आप उड़द की बात करने लगते हैं। मैं उड़द की बात करती हूँ, आप गन्ने की बात करने लगते हैं। अरे, जो मैं सवाल पूछ रही हूँ उसका जवाब दे दीजिए ना टिकैत साहब, सिंपल सा सवाल पूछ रही हूँ मैं आपसे। अच्छा दो, बताओ बताओ। सिंपल सा सवाल पूछ रही हूँ कि अब से पहले 4 लाख किसानों ने आत्महत्या कर ली, तब राकेश टिकैत कहाँ थे? अचानक हृदय परिवर्तन कैसे हुआ? कहाँ बिजी थे आप? ठीक, अब रुक जाओ, यही हूँ मैं सर, कहीं नहीं जा रही हूँ। अच्छा ठीक है, ये आवाज
बहुत देर बाद में आती जाती है इसलिए डिस्टर्ब हो रहा है। अब सुन लो आप, हाँ, बात सुन आप रही मेरी हूँ। सुन लेना पहले, जब फिर आप बोलना, इसीलिए डिस्टर्ब हो रहा। हम ये कह रहे कि ये भी जानकारी कर लो कि पिछले 20-21 साल में करीब 23 से 24 लाख किसानों ने आत्महत्याएं करी, ठीक है, ये आप करेक्ट कर लो। ये जो 2.5 और 3 और 4 लाख की फिगर है, ये वे किसान हैं जिनका नाम जमीन थी, जिन्होंने आत्महत्या करी और जिनका पीएम हुआ है, ये वो फिगर है। जो महिला ने आत्महत्या करी और बाबा की उम्र है 80 साल, लड़के की उम्र है 50 साल, उसने आत्महत्या करी क्योंकि घर बालक को, लड़के को चलाना था, उसे अपनी पोती की शादी करनी थी, बाबा की पोती की, आत्महत्या उसने करी, वो रिकॉर्ड दर्ज नहीं है। जब ये बीजेपी के लोग विपक्ष में साथ रहते थे, ये भी हमारे साथ काम करते थे, ये तो मंच में भी आते थे, इन्होंने कहा जी सरकार बहुत खराब है, इसे सरकार को बदलो, मगा भाई बदलो, अब हम सारे काम करेंगे। अपने घोषणा पत्र उन्होंने दिए, घोषणा पत्र में तो ये नहीं दिया था कि हम पूरे रेलवे को भी बेचेंगे, उसका भी प्राइवेटाइजेशन करेंगे। विशाखापट्टनम में विशाखा स्टील प्लांट है, जो 26 हजार एकड़ जमीन के आसपास वहां के 6 गांव ने दी थी, वो 4 लाख करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी आज चौबीस ये जो से आप वो 14 हजार करोड़ कानून, रुपए में ये बेची जो जा रही, आप वो किसानों भी नहीं के लिए बता। कृषि ये टेली, कानून अच्छा आप बात सुन लो, ये बगैर डिस्टर्ब होता पड़े है, ऐसे नहीं, आप रुको, मिसलीड कर आप रहे बात हैं। सुनो, नहीं, मैं अभी ठीक नहीं, कर देती हूँ ना, इतने बोला, इतनी बेचना जल्दी और कहीं लीज पर देना दोनों अलग बात किचरे होती का है। काम भी करा क्या? आप रुको एक बेचना मिनट, और लीज कागज पर पत्तर देना, बहुत, मैं ओला या उबर रुको या एक ऑटो मिनट, बुक करके यहाँ से गोमती नगर जाऊं, जो 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 जहां पर इस वक्त मैं हूं, और वहां जाकर बोलूं कि नहीं अब ये ऑटो मेरा हो गया। लीज और बेचना दोनों अलग है। उसने सवारी को वहां तक पहुंचाया है, ऑटो बेचा नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के साथ भी यही है। आप क्यों इस तरीके की नासमझी वाली बातें कर रहे हैं? और मुझे ये बताइए, अभी हम किसान कानून की बात कर रहे थे, अभी आप रेलवे बेचने पर चले गए हैं। अच्छा रेलवे में का किसान बता दो तो किसान फिर क्या हो कानूनों की गया, बात कीजिए ना। आप एक नेता क्यों की ना तरह जाए? क्यों मुझे दिख रहे अच्छा हैं? देश बिकेगा हम चुप रहे, देश बिकेगा और हम चुप रहे, फिर वापस यही ये बात। किसान भी बचेगा या देश भी बचेगा? ये स्टेडियम बेच दी, आप तो कल ये अरे भी कहोगे भाई, कि फिर आप वही बच्चों के बात। स्टेडियम पर चले मैंने गए, आपको स्टेडियम भी बिके ना है जिस ना, भाषा में आप समझ सकते आपको हो है उस भाषा जानकारी में कि भी स्टेडियम समझाने बिके की हैं? कोशिश की है। लीज पर रेलवे की देना सारी अलग जमीन चीज बिकी है, होता आपको है, जानकारी बेचना है? टिकट साहब, नहीं, क्या मैं क्या कैसे समझाऊं आपको? अच्छा हाँ, मैं आपको लीज आईना पे, दिखाने लगती हूँ, आप शीशा साफ करने लीज पे लगते हैं। देखें अब यहाँ, चूंकि आप अच्छा चलो पंजाब में ठीक है, हैं, लीज पे दिया था, एक बात सुन लो, पंजाब आप लीज की कॉन्ट्रैक्ट बात कर रहे हो फार्मिंग का ना, सेक्शन ये 25 कनॉट जरूर पढ़ प्लेस लीजिएगा, गांव के लोगों का जरूर है, पढ़ लीजिएगा। सुन तो टिकैत लो बात, साहब, आप आप तो पढ़े सुनने की लिखे इसका आदमी हैं, बीमारी है, आप तो एलएलबी सुनते कर नहीं, रखा है आप आपने, पे सोचोगे जो आप हम कानून बैठे पढ़ते पूरा नहीं डंडा हैं और चलाओगे जो आप आपके कहते हैं सामने काने है। काले कानून है। अरे ऐसा नहीं है ना, मैं सारी चीज पढ़ रखी, आपने मैं मुझे एक सब चीज सेक्शन नहीं पढ़ता बताया हूं, है, मैं कह रहा कि लीज एपीएमसी क्या को होती है, लेकर, आपको नॉलेज है एसेंशियल लीज की? कमोडिटी एक्ट को लेकर आपको लीज कहां की कुछ नॉलेज ऐसा है? लिखा गया है जो आप कनॉट किसानों प्लेस को पूरा डराने लीज लगे? के आपने ऊपर मुझे है, नहीं बताया है। मेरे पास वक्त की कमी है अरे राकेश सुन साहब, तो, हालांकि मैं वो मैं फॉर्मूला भी ये, आपसे जानना अच्छा चाह सुन रही तो लो थी आप, कि महेंद्र सिंह टिकैत के बाद आपकी संपत्ति अकूत हो गई, आपने कौन सी खेती की? मेरे पास वक्त की कमी है, लेकिन किसी दिन आपसे पर्सनली मिलने आऊंगी, चाय पर बैठूंगी और वो फॉर्मूला जरूर सीखूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। शिखर सम्मेलन में आगे भी बहुत से मेहमान हैं, हम लगातार इसी मंच से तमाम वो कड़े सवाल पूछते रहेंगे। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज़। बहुत सी माओं को तो पता ही नहीं कि डेंगू के मच्छर दिन में काटते हैं। अब से बच्चे नो ना नहीं भी कहें ना, आप इनको ओडोमॉस जरूर लगाएं। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। काबुल में अमेरिका के रेस्क्यू ऑपरेशन को एक बड़ा झटका लगा है। आईएसआईएस आतंकियों के फिदायिन हमले में 12 अमेरिकी सैनिकों समेत 70 से ज्यादा लोगों की जान कल चली गई, जिससे अमेरिका बौखला गया है। राष्ट्रपति बाइडेन ने चेतावनी दी है कि उन्हें छेड़ने वालों को वो अब छोड़ेंगे नहीं।
forgive. We will not forget. We will hunt you down and make you pay. अमेरिका के सीने पर आतंक का खंजर। काबुल एयरपोर्ट के बाहर मौत का मंजर और गमजदा आंखों से बहता आंसुओं का समंदर। अफगानिस्तान के रण से लौट रहे अमेरिका को आतंकियों ने गुरुवार को सबसे गहरी और कभी न भूलने वाली चोट दी। काबुल एयरपोर्ट के करीब एक के बाद एक हुए तीन फिदायीन हमलों में 10 से ज्यादा अमेरिकी सैनिकों की जान चली गई। यह आतंकी हमला ऐसे वक्त में हुआ जब अमेरिका अफगानिस्तान से रवानगी के आखिरी चरण में है। और इस हमले की जिम्मेदारी ली है आईएसआईएस खोरासान ने। और ये है आईएसआईएस खोरासान का वो लिखित बयान जिसमें उसने हमलों की जिम्मेदारी ली है। आईएसआईएस खोरासान के आतंकियों ने दावा किया है कि उन्होंने ही अमेरिकी सैनिकों को निशाना बनाया है। काबुल में अमेरिका बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा है। एयरपोर्ट के बाहर हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठा है और इसी भीड़ का फायदा उठाकर आईएसआईएस खोरासान के आतंकियों ने आत्मघाती हमला कर दिया जिसमें 60 के करीब अफगानी नागरिकों की भी मौत हुई है। आईएसआईएस खोरासान के इस हमले में अमेरिका तिलमिला उठा है और अब राष्ट्रपति बाइडेन ने बदले की कार्रवाई का ऐलान कर दिया है। The place we choose in the moment of our choosing. Here's what you need to know. These ISIS terrorists will not win. हालांकि इस ऐलान के जंग के साथ बाइडेन ने यह भी साफ किया है कि रेस्क्यू ऑपरेशन पहले की तरह जारी रहेगा, लेकिन अब इसके साथ ही साथ आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाने का मिशन भी चलेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सबसे बड़े राज्य की राजनीति के सबसे बड़े दंगल से पहले जानिए हर सियासी पार्टी का दांव पेच। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों को परखने सजेगा सबसे बड़ा मंच। शिखर सम्मेलन उत्तर प्रदेश 27 अगस्त सुबह 10 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सबसे बड़ा सवाल ये कि 31 अगस्त के बाद आखिर क्या होगा? क्या 31 अगस्त तक सभी देश अपने लोगों को वहां से निकाल पाएंगे? और अगर यह मुमकिन नहीं हो पाया तो वहां रह गए लोगों के साथ तालिबान क्या करेगा? जिस बात की आशंका थी वही हुआ। जिस खतरे को लेकर पश्चिमी देशों ने आगाह किया था वही हुआ। काबुल एयरपोर्ट के बाहर धमाके करके असम के दीमा हसाओं में उग्रवादियों ने 5 ट्रक ड्राइवर्स को जिंदा जलाया, 7 ट्रक भी जलकर राख। आग लगाने से पहले कई राउंड फायरिंग भी की। काबुल में 3 सिलसिलेवार धमाके में 100 से ज्यादा लोगों की मौत, करीब 150 घायल। अमेरिका के राष्ट्रपति ने अफगानिस्तान में सेना की जरूरत के मुताबिक जवान भेजने के संकेत दिए। एबीपी न्यूज के सवाल पर फंसे किसान नेता राकेश टिकैत, कृषि कानून के किस पॉइंट से किसानों को परेशानी बता नहीं पाए। आप
इस वक्त देख रहे हैं शिखर सम्मेलन और शिखर की हस्तियां इस वक्त यहां इस प्लेटफॉर्म पर तमाम एबीपी न्यूज के सवालों का जवाब देती आपको नजर आएंगी और ये सिलसिला शाम तक जारी रहने वाला है। इस बीच अब आपको ये बता देना जरूरी है कि उत्तर प्रदेश में महज कुछ पार्टियां नहीं है, बहुत सी पार्टियां हैं जो उत्तर प्रदेश के नागरिकों का दिल जीतने की पुरजोर कोशिश कर रही है और इसमें अगर सबसे अव्वल किसी का नाम आता है तो वो है भीम आर्मी का। भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद इस वक्त एबीपी न्यूज के मंच पर, शिखर सम्मेलन के मंच पर आपको नजर आएंगे। तेज तर्रार युवा नेता चंद्रशेखर आजाद का मैं स्वागत करना चाहूंगी और आपको ये बता दूं कि इस सेशन को कंडक्ट करेंगे मेरे सहयोगी विकास भदौरिया। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। स्वागत है चंद्रशेखर आजाद जी आपका। और सवाल मैं आपके नाम से ही शुरू करता हूं। आप ऐसा लगता है कि आज़ाद रहना चाहते हैं, किसी के काबू में नहीं रहना चाहते, वश में नहीं रहना चाहते, और आप पर आरोप ये लगता है आप शोर बहुत ज़्यादा मचा रहे हैं, शोर ज़्यादा मचाते हैं, गंभीर राजनीति नहीं कर रहे हैं। देखिए, आज़ाद तो भारतीय संविधान ने देश के प्रत्येक नागरिक को बनाया है और अगर हम संविधान में मिले अधिकारों का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं तो ये हमारी गलती है। तो मैं अपने अधिकार जानता हूं। तो बेसिकली ना मेरा नाम चंद्रशेखर है, आजाद नहीं है। आजाद मैंने तब लगाया जब मैंने असली आजादी को फील किया। ये लोकतंत्र है, लेकिन आप समझिए कि मैं अब समझता हूं ये झूठा है लोकतंत्र। क्या कोई बोल सकता है? बोलेगा तो मुकदमा लग जाएगा, हक की आवाज उठाने जाएगा तो लाठी बजेंगी, या और कुछ करेगा तो एनएसए लग जाएगी। तो मैंने झेली है। जब मैंने झेल ली तो मुझे एहसास हो गया कि ये झूठी आज़ादी जो है ना सच्ची होनी चाहिए। तो अपने नाम के पीछे आज़ाद लगाया और आज प्रयास कर रहा हूँ कि ऐसे बहुत सारे लोग तैयार हो जाएं जो इस आज़ादी को आम जनता के लिए भी तैयार करें। रही बात शोर बचाने की, तो समझिए विकास जी, मांगने से कुछ नहीं मिलता, छीनना पड़ता है। और मैं शोर इसलिए बचाता हूँ क्योंकि सरकार गूंगी बहरी है। अगर ये सरकार अच्छी होती तो 69,000 शिक्षक भर्ती के बच्चे बैठे हुए हैं, 70 दिन हो गए लगभग उन्हें, आज तक तो उनकी बात नहीं सुनी। आंदोलन करने जाते हैं बीजेपी कार्यालय पर तो लाठी बजा देते हैं, बहनों को नहीं छोड़ रहे हैं, उनको पीटते हैं, चिन्हित कर करके लड़कों को पीट रहे हैं। तो आप समझिए मजबूरी है हल्ला मचाना। अगर ये सही काम करेगी ना सरकार तो मैं भी जो है ना राजनीतिक काम करूंगा शालीनता से, लेकिन ये करने नहीं देती रोज। अच्छा, हाथरस का कितना बड़ा प्रकरण हुआ, हल्ला मचा तभी तो न्याय मिला, वरना सरकार ने तो कहते रेप ही नहीं हुआ था। तो निकम्मी बहरी सरकार को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। मैं तो भगत सिंह को भी मानने वाला हूं, तो इसलिए मैं हल्ला मचाता रहता हूँ कि सरकार सुनती रहे और तानाशाही ना करे। लेकिन ये कहा जाता है कि आप जब ज़्यादा शोर मचाते हैं तो जो लोग आपके साथ ज़्यादा जुड़ने चाहिए वो नहीं जुड़ पाते हैं, और यही वजह है क्या कि 2 से 3 साल हो गए आपको, आप लगातार अलग अलग इलाकों में घूम रहे हैं, लेकिन जो पार्टी का आपका कद बढ़ना चाहिए था, जिस तरह से आपके कद का विस्तार होना चाहिए था, वो नहीं हो पाया? देखिए, ये तो इलेक्शन तय करता है। मैंने देखा कि मीडिया के लोग बताते हैं कि भाई आप छोटी पार्टी हो बड़ी पार्टी हो, ये तय करते हैं जब इलेक्शन होता है उसमें कितनी सीटें आती हैं इस आधार पे या कितना वोट पड़ता है। तो जब से हमने शुरू किया, हमने एक ही चुनाव लड़ा बिहार में, या फिर यूपी में एक उपचुनाव लड़ा था, यूपी में उपचुनाव लड़ा तो